हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के जीएस में लगभग मिक्स क्वेश्चन यहां पे कवर कर रहे थे। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे पीएससी प्री 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप जो है आपका व्यापम के जो बहुत सारी जो वैकेंसी आया हुआ है, तो उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा लगभग चौथा या पाँचवा पार्ट है, आई थिंक पाँचवा पार्ट है हमारा। तो जितने भी पार्ट हों इसको जाके देखिए जी, यहाँ जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किया जा रहा है सभी आपके लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है और सभी क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया जाए, मतलब मिक्स क्वेश्चन छत्तीसगढ़ की जीएस। लगभग जीएस में आपको सभी सिलेबस में आप देखने को पढ़ने को मिलेगा और लगभग कंप्लीट जीएस आपको पढ़ाया जा रहा है पूरे डिटेल के साथ। छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर 8 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, उसको जाके देखिएगा। तो चलिए सेशन बढ़ाते आगे, पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यहाँ पे अभयारण्य बोला गया है, राष्ट्रीय उद्यान बोला गया है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जी? इंद्रावती, कुटरू, कांगेर घाटी या गुरु घासीदास? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा से ये आपका सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बोला गया है। तो ये आपका सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा जी? तो गुरु घासीदास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गुरु घासीदास डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान आपका गुरु घासीदास है और इसकी जो स्थापना है 1982 में स्थापना किया गया था। ये आपके जो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान आपके वर्तमान में ये आपके सूरजपुर जिला में स्थित है। लगभग 1441 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और देखेंगे तो आपका इसको पहले संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था और इसको गुरु घासीदास के नाम से इसको जाना जाता है। कौन कौन से जीव पाई जाती है जिसमें नील गाय बाघ, तेंदुआ, सांभर वगैरह जो जीव खास करके इसमें पाई जाती है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु घासीदास, इसको याद रखिएगा। अगर पूछे छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है और 1978 में इसकी स्थापना किया गया था। इसको याद रखिएगा, 1258 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। अगर वही पूछे कि छत्तीसगढ़ का जो कि सबसे यहाँ पे जो अभयारण्य कौन सा है, सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है, तो आपका तमोर पिंगला आंसर में लीजिएगा। याद रखिएगा, तमोर पिंगला ही हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य है। कहाँ पर स्थित है? सूरजपुर में स्थित है। 1978 में स्थापना किया गया है और लगभग 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कंप्लीट छत्तीसगढ़ के जीएस में अभयारण्य जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको पढ़ाया गया है, तो उसको बढ़िया जाके देखिएगा। यहाँ पे पूरा डिटेल पढ़ाऊँगा तो आपका बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए यहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है इसको मैं कवर करने की कोशिश कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिवर्ष औसतन वर्षा होती है 67 इंच, 68 इंच, 69 इंच या 70 इंच? तो देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो प्रतिवर्ष औसतन जो वर्षा यहाँ पे 69 इंच के लगभग यहाँ पे औसतन वर्षा यहाँ पे होती है। और छत्तीसगढ़ की वर्षा जो है आपके कैसी, कौन से प्रकार की वर्षा होती है जी, तो इसको बताइएगा कमेंट करके। छत्तीसगढ़ की जो कल सेशन में बताया भी थी, छत्तीसगढ़ की जो वर्षा कौन से प्रकार की कैसी पाई जाती है, तो इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कल इसको बताया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कांगेर घाटी, कुटरू, इंद्रावती या आपका संजय? तो यहाँ पे दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जी? यहाँ पे सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान आपका कौन सा हो जाएगा जी? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है 1982 में स्थापना किया गया है। कहाँ पर? बस्तर में स्थापना किया गया है और अगर 200 वर्ग किलोमीटर में आपका मात्र फैला हुआ 200 वर्ग किलोमीटर में पहाड़ी मैना, कौन कौन से जीव पाई जाती है? पहाड़ी मैना, उड़न, गिलहरी वगैरह जीव खास करके इसमें पाई जाती है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और जहाँ पे जो भैंसादरह नामक जो प्राकृतिक रूप से जो मगरमच्छ है यहाँ पर पाई जाती है, इसको भी याद रखिएगा। एशिया का बायोस्फीयर रिजर्व इसको घोषित किया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। और जो कांगेर घाटी में जो कुटुम्बेश्वर जो गुफा यहाँ पे स्थित है और जिसमें आपका अंधी मछली यहाँ पे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे
अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया का प्रथम जीव मंडल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? सरगुजा, बस्तर, रायगढ़ या आपके, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी जस्ट बताया हूँ, तो एशिया का प्रथम जीव मंडल जो है आपका, जो बस्तर को जो है आपका, जिस जो 1982 में एशिया का पहले इसको बायोस्फीयर घोषित किया गया था, बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में 1982 में इसको घोषित किया गया था, लेकिन वर्तमान में आपका बायोस्फीयर रिजर्व घोषित नहीं है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े चिड़ियाघर कौन सा है जी? मैत्री बाग, नंदनवन, काननवन या आपका सैल गार्डन? तो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े चिड़ियाघर कौन सा हो जाएगा जी? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, नंदनवन। कहाँ पे नंदनवन? ये आपके रायपुर में स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े चिड़ियाघर है, इसको याद रखें। बाकी मैत्री बाग भिलाई में है, कानन पिंडारी, सैल गार्डन, ये सभी हमारे छत्तीसगढ़ में यहाँ पे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ को किस नाम से देश के सामान्य तौर पर जाना जाता है? धान का कटोरा, चंदूर कक्षी, दरियाई घोड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ के किस नाम से देश में सामान्य तौर पर जाना जाता है? तो आपके धान के कटोरा के नाम से इसको जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में देखेंगे जो अधिकतर जो लगभग 80% जो लोग यहाँ पे कृषि पे आधारित जीवन यापन करते हैं, और जो सभी जो है किसान यहाँ पे कृषि पे आधारित जीवन यापन करते हैं, इसीलिए यहाँ पे अगर उत्पादन के दृष्टि सबसे ज़्यादा यहाँ पे खेती करते हैं, उत्पादन भी अभी अच्छी होती है, इसीलिए इस नाम से इसको धान के कटोरा के नाम से छत्तीसगढ़ को जानी जाती है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 125 करोड़ की लागत से छत्तीसगढ़ के किस स्थान जो राइफल शूटिंग रेंज बनाई जा रही है? रायगढ़ को, बिलासपुर को, बस्तर को या आपके राय? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रायगढ़, इसका करेक्ट आंसर हो तो रायगढ़ को यहाँ पे 125 करोड़ की लागत से इसको जो रायगढ़ को यहाँ पे राइफल शूटिंग रेंज यहाँ पे बनाई जा रही है, तो इसको याद रखूँगी। यहाँ पे खास करके जो यहाँ पे जो हमारी जो सेना है इसको राइफल शूटिंग के लिए इसको तैयार करने के लिए, यहाँ पर शिक्षण देने के लिए यहाँ पे इसको चुनी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य के जो सर्वाधिक लोकप्रिय सामयिक नेता कौन है? संजय पराते, शंकर गुहन योगी, जनक लाल ठाकुर या आपके अंजोर सिंह है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जनक लाल जो ठाकुर है, ये छत्तीसगढ़ राज्य के सर्वाधिक लोकप्रिय श्रमिक नेता है, मतलब श्रमिकों के जो नेता है या इनको जनक लाल ठाकुर को कहा जाता है, इसको याद रखें, मतलब श्रमिकों के लिए आपका उनके नेता है, उनके जो पक्ष में आपका कार्य करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैष्णव संप्रदाय के जो प्रवर्तक वल्लभाचार्य के जन्म स्थल कहाँ पर है जी? राजिम, चंपारण, आरंग में या आपका रतन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपारण को हो, वैष्णव संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य, नाम को सुने होंगे तो वल्लभाचार्य है आपका, इनके जन्मस्थल यहाँ पे चंपारण में इनका जन्म हुआ था, और वैष्णव संप्रदाय के आपका प्रवर्तक भी हैं, तो इसको याद रखिएगा वल्लभाचार्य, इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो चंपारण में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कबीर पंथियों का धर्मनगर कहाँ पर है? गरियाबंद में, दामाखेड़ा में, अमरपुर में या आपके बगीचा में? तो कबीर पंथियों का धर्मनगर कहाँ पे है? तो आपका दामाखेड़ा में है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिनी माता का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, त्रिपुरा में या आपका असम में? तो मिनी माता को सभी जानते हैं, मिनी माता का नाम है जो हसदेव बांध के नाम को भी रखी गई है, तो मिनी माता का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म है यहाँ पे असम में इनका जन्म हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा इस प्रदेश के साथ लगती है, तो छत्तीसगढ़ के जो सर्वाधिक जो सीमा है कौन से प्रदेश के साथ लगती है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उड़ीसा जो राज्य है तो सबसे ज़्यादा जो लंबी सीमा छूने वाला राज्य आपका उड़ीसा है, इसको याद रखिएगा। और सबसे कम सीमा छूने वाला राज्य आपका कौन सा हो जाएगा जी? आपका ये आंध्र प्रदेश ही आपका सबसे कम है, सबसे ज़्यादा आपका उड़ीसा, ज़्यादा आपका उड़ीसा है, सबसे कम आपका आंध्र प्रदेश है, तो इसको भी याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका एमपी है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे छोटा राज्य आपका, या आपके क्षेत्रफल के दृष्टि से बता रहा हूँ, तो आपका झारखंड है। इसे एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य आपका उड़ीसा है, राज्य के सबसे कम सीमा छूने वाला राज्य आपका आंध्र प्रदेश है,
छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका मध्य प्रदेश है। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका झारखंड है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगर क्षेत्रफल के देखेंगे, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल कितना है जी, तो 1,392 वर्ग किलोमीटर में छत्तीसगढ़ फैला हुआ है, मतलब 1.35 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये सभी आपको आना चाहिए। भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, 4.11% है। भारत में आपका 9वां स्थान है। इसको याद रखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इसके बाद आपका छत्तीसगढ़ आते। तो ये सभी जो बेसिक आपको आना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य देखेंगे तो भारत के आपके प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो ये सभी जो फैक्ट आपको आना चाहिए। और छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति कैसी है जीती, सी हॉर्स जो है हिप्पोकैम्पस के नाम से इसको जानते हैं, मतलब समुद्री घोड़ा के समान है। इसको भी याद रखिएगा, जो कि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते। तो जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किया गया, सभी मिक्स क्वेश्चन तैयार किए हैं, मतलब ये आपके एक तरह के जो क्वेश्चन है आपके, जैसे आपके एग्जाम में आता है वैसे टाइप के ठीक क्वेश्चन को तैयार किया है। पर्यटक जो स्थल है मैनपाट किस प्राकृतिक स्थिति पर स्थित है, दनकरण्य पठार पे, छत्तीसगढ़ के मैदान में, सतपुड़ा के श्रेणी में, या इनमें से। जो पर्यटक जो स्थल मैनपाट किस प्राकृतिक स्थिति पर स्थित है जी, ये आपके सतपुड़ा के श्रेणी पे स्थित है। मैनपाट सभी जानते हैं, तो मैनपाट जो है आपका, मैनपाट जो कि सरगुजा छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से इसको जानी जाती है, और ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा भाग है। इसको भी याद रखिए, सबसे ऊंचा भाग मतलब ये आपका 1152 मीटर भी ऊँचाई भी आपका स्थित है। और यहाँ पर मांड नदी का उद्गम स्थल है सरगुजा में। और 1962 इस डेट को याद रखिएगा, 1962 में जो तिब्बती जो शरणार्थी इनको बसाया गया था। और यहाँ पे कौन कौन से टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट, मछली पॉइंट, हिल स्टेशन वगैरह यहाँ पे स्थित है, जिसको भी याद रखिएगा। तो 1962 में तिब्बती शरणार्थियों की यहाँ पे बसाई गई है, इसको याद रखिए। बहुत ही पर्यटक स्थल है मैनपाट, कभी जाइएगा तो दलदली क्षेत्र है, घूमने में आपको अच्छा लगेगा। तो ये सभी है आपको छत्तीसगढ़ में देखने को, जसपुर का पाट, जसपुर ये आपका, ये सभी घूमने के जगह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दंडकारण्य प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है, 500 मीटर, 800 मीटर, 900 मीटर या 700 मीटर। तो दंडकारण्य प्रदेश की जो औसत ऊंचाई लगभग है आपका 800 मीटर की इसकी ऊंचाई है। तो इसको याद रखिएगा, औसत बोला जा रहा है, तो ये आपके 800 मीटर इसके औसत। अगर यहाँ पे देखेंगे तो दंडकारण्य जो प्रदेश है आपका बस्तर संभाग, बस्तर संभाग आपके दंडकारण्य पठार के अंतर्गत आती है, जो आपका धारवाड़ क्रम का शैल समूह है। और यहाँ पे जो खनिज की बात करूँ तो यहाँ पे खनिज की बात करूँ तो यहाँ पे लव अयस्क यहाँ पे पाई जाती, जैसे यहाँ से छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना, ये सभी यहाँ के दंडकारण्य पठार है, इसके तहत यहाँ पे लव है अयस्क खनिज वगैरह यहाँ पे पाई जाती थी। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज के सेशन हम यही तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कंप्लीट जीएस आपको पढ़ना है तो यहाँ पे रात में सेशन चलते हैं, तो उसको बढ़िया अटेंड कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।